क्रिएटिव फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव ब्यूटी टिप्स। मैं हूं संजना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूं एकदम अमेजिंग सी होम रेमेडी जो कि एकदम नेचुरल है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपके फेस या फिर आपके स्किन या आपके बॉडी पर नहीं होगा। आज वाली होम रेमेडी टोटली आप अपने बॉडी पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों पर, पैरों पर, गर्दन के पीछे वाले पोर्शन में इस होम रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ये वाली होम रेमेडी से आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, काफी ज्यादा आपका जो स्किन टोन है वो एटलीस्ट एक शेड लाइट हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग और एकदम लाइटनिंग से नजर आएगी। स्किन पर एक अजब सा ग्लो आ जाएगा, एक अजब सा चमक आ जाएगा स्किन पर। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ अपने किचन से 2 से 3 चीजें उठानी है, क्योंकि हमारे किचन में हमेशा ही अवेलेबल होता है। और ये वाली होम रेमेडी बहुत ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सन टैन हो चुका है, क्योंकि अक्सर गर्मियों के मौसम में हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा सन टैन हो जाता है। तो सन टैन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी बॉडी को ऐसे ही ब्राइटनिंग और व्हाइटनिंग बनाए रखने के लिए ये वाली होम रेमेडी आपके लिए एकदम बेस्ट है। पहली बात ये कि एकदम 100% नेचुरल है और दूसरी ये कि एकदम इफेक्टिव है। तो ऐसे ही ढेर सारे नेचुरल और इफेक्टिव होम रेमेडीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माय डियर YouTube फैमिली, सबसे पहले इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में ले लिया है 2 चम्मच आटा। ये गेहूं का आटा है, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। गेहूं का आटा ले लेने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल। जितना आप गेहूं का आटा लेंगे उतने ही चम्मच आपको ऑयल भी लेना है। तो 2 चम्मच आटे में 2 चम्मच नारियल का तेल ले लिया, उसके बाद आधा कटा हुआ नींबू ले लिया है और उसे पूरी तरह से मैंने स्क्वीज कर दिया है। अब ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप कर लेना है। तो स्क्वीज कर लेने के बाद मिक्सअप करने के लिए हम यहाँ पर चौथी चीज भी ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे सिर्फ लेमन जूस से मिक्सअप नहीं होगा। तो हमारे बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है। यहाँ पर आप पानी या फिर रोज वाटर नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पर मिल्क आपको लेना है इस पैक को बनाने के लिए। मिक्सअप करने के बाद एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला बॉडी पैक बन जाएगा, जो कि अब रेडी हो चुका है अपने बॉडी पर अप्लाई करने के लिए। तो इस होम रेमेडी के बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, ये तो आपको वीडियो में आगे पता ही चलेगा। तो यहाँ पर मेरा जो स्किन है हाथों का बहुत ज्यादा रफ हो गया है, एकदम डल डल सा सन टैन भर चुका है मेरे हाथों में। तो इस सन टैन को एकदम जिद्दी जिद्दी से सन टैन को रिमूव करने के लिए ये वाला बॉडी पैक मैंने बनाया है, जो मैं अब अपने हाथों पर यूज करूंगी। आप चाहे तो इस होम रेमेडी को अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं अपने हाथों पर ही अप्लाई करूंगी और आप लोगों को रिजल्ट बताऊंगी। तो इस बॉडी पैक को अपने हाथों पर लगा लेना है, जैसे हम फेस पर मसाज करते हैं हल्के हल्के हाथों से, वैसे ही आज हम अपने हाथों पर भी मसाज करेंगे। बॉडी पैक जो है दूध ऐड करने की यानी कि रॉ मिल्क ऐड करने की वजह से काफी ज्यादा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो ऐसे ही आपको भी फील होगा। एक बार इसे जरूर लगाकर देखना, लगाते वक्त बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। यूजुअली हम जब भी कहीं फंक्शंस वगैरह में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने फेस को तो एकदम सुंदर बनाने में पीछे ही पड़ जाते हैं, लेकिन हम ऐसे टाइम पर ना अपने हाथ पैर को सुंदर बनाना एकदम से भूल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए ये वाली होम रेमेडी है उन लोगों के लिए जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा सन टैन हो चुका है, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। फुल स्लीव कपड़े पहनने से बेटर है ना कि अपनी पसंद के कपड़े पहने और हाथों को भी ऐसे ही चमकाएं, उतना ही ध्यान रखिए जितना कि हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं। अब हमारे हाथ हमारी बॉडी से अलग तो नहीं है, तो जितना हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं तो उतना ही हमें अपने हाथों का भी ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस पैक को अपने पूरे हाथों में लगा लिया है। आप नहाने से पहले इसे अपने गर्दन के पीछे भी लगाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब मैंने ये सिर्फ हाथों में लगाने जितना ही पैक बनाया था, तो अब मेरा पैक खत्म हो चुका है। जब इस पैक को पूरी तरह से आप हाथों में लगा लेंगे तो थोड़े टाइम तक इंतजार करना है, फिर इसे इंतजार करने के कुछ टाइम बाद आप डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 20 मिनट्स का मैं वेट करूंगी, तब तक आप देख सकते हैं कि हाथों में मैंने पूरी तरह से इस बॉडी पैक को अप्लाई कर लिया है। अप्लाई कर लेने के बाद मैं इसे 20 मिनट्स तक अपने हाथों में रखूंगी। तो जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगेगा, खुद ही निकलने लगेगा, बॉडी में चिपका नहीं रहेगा, ऐसे इजीली रिमूव होने लगेगा। बट आप अगर हाथों से इसे मलमल कर निकालेंगे तो सारा जो आटा है वो आपके हाथों में ही आ जाएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही आ जाएंगे और चिपचिपा सा फील होगा। तो उससे बेटर है ना कि आप इसे किसी भी कॉटन के कपड़े से पानी में थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देना है कॉटन के कपड़े को और उसे निकाल देना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, और कोई भी कॉटन क्लोथ आपको लेना है और ऐसे धीरे धीरे आपको
रिमूव कर देना है। इसमें तो इस तरह का होल्डर भी बना है तो आसानी से मैं रिमूव कर पा रही हूँ, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको बहुत जल्दी कहीं जाना है तो आप इसे डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हैं। हमारे कोहनी वाले हिस्से काफ़ी ज़्यादा काले पड़ जाते हैं अगर हम केयर ना करें, तो उसके लिए भी ये वाली होम रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपके ऑल ओवर पूरे बॉडी पार्ट्स को एकदम चमका देगी, एकदम लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग कर देगा ये वाला बॉडी पैक। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अब मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब आफ्टर वॉशिंग आप रिजल्ट देख सकते हैं, जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमारे फेस से ज़्यादा तो अब हाथ चमक रहा है, अगर आप चाहें तो कंपेयर करके देख सकते हैं। मेरे फेस का जो स्किन टोन है वो भी हाथों के सामने बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो आज स्किन से ज़्यादा यानी कि फेस के स्किन से ज़्यादा तो हाथ ही चमक रहे हैं, तो मुझे ये वाली होम रेमेडी बहुत पसंद आई है। यूट्यूब फैमिली, हमें बस इतना ही करना था और सिर्फ इतना ही कर लेने के बाद आप पा सकते हैं एकदम चमचमाती हुई बॉडी। अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स में से किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं है तो फिर आप एकदम लाइटनिंग और ब्राइटनिंग स्किन केयर के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट से, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें लेमन से एलर्जी होती है, वो अपने फेस पर अप्लाई नहीं करते, तो आप लेमन वाला कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर ना अप्लाई करें। और अगर ऐसी कोई भी होम रेमेडी हो जिस पर आपको डाउट है तो एक बार एटलीस्ट पैच टेस्ट करके जरूर देख लें। पैच टेस्ट का मतलब होता है जो भी होम रेमेडी आप बना रहे हैं उसे थोड़ा सा फिंगर्स पर लेके ऐसे कान के पीछे थोड़ा सा लगा के 5 मिनट्स तक छोड़ देना। अगर कोई इरिटेशन ना हो, कोई भी तरह का ईचिंग ना हो, तो फिर ये वाली होम रेमेडी आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, एकदम इफेक्टिव है, फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी होम रेमेडी को ट्राई करने से पहले ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, सिर्फ इतना ही कर लेने से आप पा सकते हैं एकदम लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और एकदम वाइटनिंग बॉडी। अगर आपके हाथों में बहुत ज्यादा सन टैन हो गया तो ये सन टैन वाली सारी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देगा। बाहर से कोई भी महंगे महंगे एक्सपेंसिव क्रीम्स वगैरह लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो में इसी तरह के ढेर सारे अमेजिंग नेचुरल और एकदम इफेक्टिव होम रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अपने गर्ली गैंग या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।